हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट 25,000 रुपए है और उसमें आप एक बेस्ट फोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो आप सभी को टॉप 5 फोन्स बताऊंगा, उन सारे फोन्स में आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगी। या दोस्तों, उसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और जो कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिनिमम कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें जो आपको बैटरी देखने को मिलेगी वो मिनिमम आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और उसके साथ में जो आपको चार्जर देखने को मिलेगा वो भी एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो भी आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अंडर 25,000 रुपीज में एक 5G फोन लेना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी फोन मैं आप सभी को आज के इस लिस्ट में बताऊंगा वो सारे फोन बहुत ही बढ़िया फोन है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन से वो टॉप 5 फोन्स हैं जो कि अंडर 25,000 रुपीज आते हैं और 5G फोन्स हैं। तो दोस्तों, आज के लिस्ट में जो 5वें नंबर पे फोन आता है वो है Mi 11 Lite। या दोस्तों, एक 4G फोन है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे 5वें लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि जो इसमें आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके जगह पे एक 5G फोन लेना चाहते हैं तो आप Samsung Galaxy F42 को भी देख सकते हो, जो कि एक 5G फोन है और इसी प्राइस रेंज पे आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए, अब Mi 11 Lite की जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.55 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको दोस्तों कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको MIUI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलती है वो LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4250 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 33W का यहाँ पे फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। इसमें जो सिम स्लॉट आपको देखने को मिलता है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम एक साथ में यूज कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ में यूज कर पाएंगे, आप तीनों चीज एक साथ में यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 6GB 128GB वाला जो वेरियंट है वो आपको 21999 में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो 8GB 28GB वाला वेरियंट है वो आपको 23999 में देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर फोन आता है वो है Mi i10i 5G। या दोस्तों, ये भी एक 5G फोन है, तो चलिए अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.67 इंच की फुल HD प्लस IPS डॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इसमें साथ में दोस्तों आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और इसमें आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो MIUI 12 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है वो LPDDR4X रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज इसमें देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4820 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, इसके साथ में आपको 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है मोबाइल के साथ में। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे पे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको जो सिम स्लॉट देखने को मिलता है वो डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज आप एक साथ में यूज कर पाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसमें आपको जो 6GB 128GB वाला वेरियंट है वो आपको 21999 में देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आपको 23999 में देखने को मिल जाता है। अब इस प्राइस रेंज पे दोस्तों आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, वो भी 5G प्रोसेसर के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया डील हो सकती है आपके लिए। तो आज की इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे फोन आता है वो है OnePlus Nord CE 5G। तो चलिए इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.43 इंच की फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है।
चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ऑक्सीजन OS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मोनो कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो 16MP का देखने को मिल जाता है, जो कि सोनी IMX471 सेंसर के साथ में देखने को मिल जाता है। और इसके सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलती है उसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसमें आपको जो 6GB 128GB वाला जो इसका वेरिएंट है वो आपको 24999 में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आप इस फोन को क्यों ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है उसमें भी आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे एक 5G प्रोसेसर के साथ में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर फोन आता है वो है Realme X7 Max 5G। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको रियलमी का UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज देखने को मिलती है LPDDR4X रैम, UFS 2.3 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में आपको 50W का सुपर चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी IMX682 सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है वो 16MP का देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको डुअल सिम डुअल 5G देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसमें आपको जो 6GB 128GB वाला इसका वेरिएंट है वो आपको 24999 में देखने को मिल जाता है। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है दोस्तों जिसमें आपको 8GB 256GB का स्टोरेज देखने को मिलता है वो आपको 27999 में देखने को मिल जाता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों इस फोन को आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो कैमरा भी देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वो भी आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। इसलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे फुल कॉम्पैक्ट फोन लेना चाहते हो तो इस फोन को आप ले सकते हो, जिसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छा देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे कैमरा सेटअप भी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो पहले नंबर पे फोन आता है वो है Poco F3 GT। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस टर्बो एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही में दोस्तों इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में। इसके चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको MIUI 12.5 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। रैम और स्टोरेज जो इसमें आपको देखने को मिलती है वो LPDDR4X रैम, UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5065mAh की एक बिग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ में 67W का यहाँ पे फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 64MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 16MP का यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइस की, तो इसमें आपको जो 6GB 128GB वाला जो इसका वेरिएंट है अगर आप उसको लेते हो तो आपको 25999 में देखने को मिल जाता है। या दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पे ऑफर्स को अप्लाई करते हो तो आपको अंडर 25,000 rupees देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया फ़ोन है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो कैमरा आपको देखने को मिलता है उसमें आपको RGB ग्लो लाइट देखने को मिल जाती है, जिससे आपका जो कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों वो बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगता है। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 फोन जो कि आज की
इस लिस्ट में थे अंडर 25,000 रुपीज। अब दोस्तों अगर आप एक गेमिंग लवर हो तो अगर आप यहाँ पे एक गेमिंग के लिए बेस्ट फोन लेना चाहते हो अंडर 25,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैं दो फोन जो है रिकमेंड करूंगा, जो कि पहला है दोस्तों रियलमी X7 मैक्स 5G, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और जो दूसरा फोन है दोस्तों वो है पोको F3 GT। या दोस्तों इस फोन का मैं बहुत ही बड़ा फैन हो चुका हूँ दोस्तों, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे बहुत ही बढ़िया फोन आपको देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर इसमें भी आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल है और गेमिंग के लिए फोन तो बहुत ही बेस्ट फोन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फोन है। तो अगर आप 25,000 रुपीज में एक बेस्ट 5G फोन लेना चाहते हैं, गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पोको F3 GT को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।